आप देख रहे हैं डार्क नाइट भैरव बाबा के साथ। डार्क नाइट पर आज की कहानी हम हॉरर वाले नहीं लेकर के आए हैं, बल्कि एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है सत्संग का महत्व। तो चलिए शुरू करते आज की अपनी कहानी। डाकू मंगल सिंह बहुत ही कुख्यात और सातिर डाकू था। मंगल सिंह ने उसके ज़माने में 100 से ज़्यादा चोरियाँ की थी, पर वो कभी पकड़ा नहीं गया। लोग बाग इसका कारण ये बताते हैं कि वो हमेशा रात में चोरी करता था और अपने गांव में उसने कभी चोरी नहीं की थी, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया। अगर वो अपने गांव में चोरी करता तो लोगों को उसके ऊपर शक होता, या वो किसी तरीके से पकड़ा जाता या कुछ सुराग छोड़ देता अपने गाँव में, इसलिए उसने वहाँ कभी चोरी नहीं की। जहाँ उसको चोरी करना होता था वो उस जगह पर महीने भर पहले से ही नज़र रखता था और वो पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह पे चोरी करता था। मंगल सिंह के 4 बच्चे थे, चारों लड़के। बड़ा बेटा कालू, फिर भीरू, भीरू से छोटा जगनू और सबसे छोटा बिरजू। मंगल सिंह ने अपने साथ अपने चारों बेटों को भी इस चोरी में शामिल कर लिया था कि चोरी कैसा करना है, कहाँ करना है, इसकी प्लानिंग कैसी करना है, ये सब उसने अपने बच्चों को बता दिया था। ये पांचों लोग, डाकू मंगल सिंह और उसके चारों बेटों, जगह जगह पर चोरी करते थे और बहुत सारा माल वहाँ से लेकर के आते थे और कभी लोगों को शक नहीं होने देते थे कि चोरी और डकैती इनने की है। यही सिलसिला कभी 11 साल तक के चलता रहा। उसके चारों बेटे भी अब बड़े हो चुके थे। बड़ा बेटा उसका 24 साल का हो गया था, जिसका नाम कालू था। भीरू 22 साल का हो गया था, जगनू 20 साल का, और सबसे छोटा बेटा बिरजू 17 साल का था। बिरजू इन सब में सबसे होशियार था। वो भले ही छोटा था लेकिन वो अपने भाइयों और अपने पिता मंगल सिंह से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था चोरी डकैती करने में। अब मंगल सिंह ज़्यादातर अपने बच्चों को भेजता था क्योंकि वो बीमार रहने लगा था। चोरी ये चारों भाई करते थे और इनका लीडर सबसे छोटा बिरजू था। कुछ समय के बाद मंगल सिंह की मौत हो जाती है, पर मरने से पहले वो अपने बेटों से एक वचन देता है, और वचन भी ऐसा कि जिसमें चारों को कोई दिक्कत नहीं। वो बोलता है कि तुम चारों अपनी ज़िंदगी में कभी किसी कथा या सत्संग में नहीं जाओगे और ना ही किसी से उसके बारे में कुछ सुनोगे। चारों वचन देते हैं अपने पिता को। फिर कुछ दिन बाद मंगल सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये चारों हमेशा चोरी करते और पकड़े नहीं जाते। ये सिलसिला बहुत दिन तक के चलता रहा, पर एक बार ये एक बड़े आदमी के घर चोरी करने जा रहे थे और रास्ते में सत्संग चल रहा था। अब करे तो करे क्या, चारों ने विचार किया। चोरी करने तो जाना है पर रास्ते में सत्संग चल रहा है और जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर यहाँ से गए तो पिताजी को दिया हुआ वचन टूट जाएगा और नहीं गए तो बड़ा माल हाथ से निकल जाएगा। तब मंजला भाई जखनू बोला, हम चारों एक काम करते हैं, अपने अपने कानों पर हाथ लगाते हैं और दौड़ करके इस एरिए को पार करते हैं। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया और चारों ने ऐसा ही किया। लेकिन दौड़ते दौड़ते सबसे छोटा भाई बिरजू के पाँव में ठोकर लग गई और वह गिर गया। उसके पैर से चोट लगने के बाद खून निकलने लगा। उधर तीनों भाई सत्संग वाला एरिया पार कर लिया था और तीनों बिरजू का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में वहाँ पर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए बिरजू भी पहुँचा। उसके पैर पर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर उसकी शर्ट का थोड़ा सा कटा हुआ पता था। उसके भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि ठोकर लगने की वजह से मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। बिरजू की बात सुनने के बाद भीरू ने पूछा, तुमने कान पर से हाथ तो नहीं हटाया था ना? तो बिरजू बोला, कैसी बात करते हो यार, यहाँ खून निकलने लगा है तो खून रोकता या कान में हाथ डाल के रोता रहता? तब कालू बोला, फिर तो तूने सत्संग में चल रही बातें भी सुनी होंगी। तो बिरजू बोला, हाँ यार, कोई महात्मा आदमी माइक में बोल रहा था कि अच्छे शक्तियों के ना तो पैर के निशान होते हैं और ना ही उनकी परछाई होती है। तो जगनू बोला, यार तूने तो पिताजी को दिया हुआ वचन तोड़ दिया,
अब चारों सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तब कालू बोला, फिलहाल तो अभी चोरी करते हैं, उसके बाद सोचेंगे अपन सभी मिल करके कि अब क्या करना है। इसके बाद चारों चोरी करने पहुंच जाते हैं और बहुत सारा माल लूट करके लेकर आए। ये चारों इधर लूटा हुआ माल से बहुत ही ऐश आराम की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन जहाँ इन्होंने चोरी करी थी इत्तेफाक से वो किसी एक बड़े नामी नेता का घर था जिसकी पहुँच ऊपर तक के थी, और उस नेता का रोब इतना कि बड़े से बड़े अफसर भी उसके नाम से थर काँपते थे। जब सबको पता चला कि नेताजी के घर चोरी हुई है तो सब आला अफसर भी उन चोरों को पकड़ने में जुट गए, पर इन चारों भाइयों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, तो पुलिस वालों को भी पता नहीं चला कि चोरी आखिर की किसने है। क्या ये चारों भाई पकड़े जाएंगे या बच जाएंगे, और डाकू मंगल सिंह का दिया हुआ वचन टूटने से इन चारों के साथ क्या होगा? सवाल बहुत है लेकिन जवाब सिर्फ है। बने रहे डार्क नाइट पर सत्संग का महत्व पार्ट 2 के लिए। दोस्तों तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।